राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखती है, सूरज ढलने के साथ ही खामोशी से उतनी ही सिहरन यहाँ पैदा होती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे है राजस्थान का एक जिला बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे यह जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन रहा है, जिसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। बाड़मेर में एक जगह है किराड़ू। किराड़ू के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक लोक प्रचलित शराब के कथानक से आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाते हैं। राजस्थान समाचार की माने तो इसे मंदिरों का शहर या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू मुख्यतः 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला है, जिसमें से एक भगवान विष्णु का है, बाकी भगवान शिव के मंदिर हैं। जिन्होंने बाड़मेर को घूमा है और इन मंदिरों को देखा है, वह जानते हैं कि इन मंदिरों को देखना कितना शानदार अनुभव है, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी खुद के अंदर समेटे हुए है। इससे पहले किराड़ू कोट के नाम से प्रसिद्ध यह जगह मूल तरीके से किराड़ वंश के राजपूतों के द्वारा बसाई गई थी। 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच यहाँ अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा यह शहर उस समय विदेशी लुटेरों के लिए एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध हुआ करता था। किराड़ू पर शासन करने वाले राजपूत दरअसल चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में था। यही वजह थी कि किराड़ू पर उस समय गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप थी, जो आज भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में किराड़ू की चमक फिर से चकाचौंध पैदा करती है, जब परमार वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराड़ू की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण पुरुषार्थ दिखाया और किराड़ू के विपुल वैभव को इतिहास में समेट लिया। इतिहासकारों का कहना है कि इसके बाद 13वीं-14वीं शताब्दी में उन्मत्त तुर्क लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा और रौंदा, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बातों पर विश्वास करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है, और वो है एक शराब की कहानी। यही ये कहानी है दोस्तों, जिसके कारण आज हमको यह वीडियो बनाना पड़ा। यह एक ऐसा श्राप था जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। अनुश्रुति बताती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास ही किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आए थे। क्षेत्रीय लोगों ने उनका बहुत तरीके से स्वागत सत्कार किया। कुछ समय के बाद ऋषि इस क्षेत्र को अकेले ही भ्रमण करने के लिए निकल गए। उनके शिष्यगण वहीं पर ठहरे हुए थे। थोड़े समय के बाद ही वहां पर एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हो गया, जिससे उनके शिष्यों की हालत अचानक खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनके शिष्यों की देखभाल या सेवा शुश्रूषा नहीं करी, सिवाय एक कुम्हारिन के। उस बेचारी निर्धन वृद्धा ने जितना बन पड़ा उसने उन शिष्यों की उतनी ही सेवा करी। देव योग से वो ऋषि उसी समय वहां लौटे। वहां अपने शिष्यों को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में देखकर अचंभित हुए, लेकिन स्थिति समझते उन्हें देर नहीं लगी। इसी के साथ ही उन्होंने वहां के क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर भयंकर क्रोध दिखाया, और इसी क्रोध में उन्होंने उन क्षेत्रवासियों को श्राप दे दिया कि इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, इसीलिए अब तुम पत्थर के समान बने रहे, तो जाओ तुम सब उसी को प्राप्त हो जाओगे और पत्थर के बन जाओगे। उसके बाद उन्होंने उस वृद्धा को भी आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो इस जगह को छोड़ दे, वरना वो भी पाषाण प्रतिमा यानी कि पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगी। उन्होंने उसे यह निर्देश भी दिया कि जाते समय वो पलटकर पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखेगी, अन्यथा वरना बहुत ज्यादा पछताएगी। भयवश वो वृद्धा तुरंत अपने घर की ओर भागी। ऋषि भी अपने शिष्यों के समेत वहां से लौट गए, लेकिन वो वृद्धा अपने सामान के साथ जब वो स्थान छोड़ने लगी तो उसने मन में ऋषि के श्राप के प्रति संदेह पैदा हुआ और उसे अपने उस स्थान के प्रति मोह भी उत्पन्न हो गया जहां पर वह रहती थी। और फिर उसने पलटकर पीछे देख ही लिया और तुरंत ही वह पाषाण प्रतिमा बन गई। बताते हैं कि पास के सिहड़ी गांव में उसकी पाषाण प्रतिमा आज भी देखी जा सकती है और वह वीडियो या उसकी फोटो अभी तक हमें इंटरनेट पर नहीं मिली। अगर आप यहाँ के आसपास के निवासी हैं और आपको वह फोटो या वीडियो मिला है तो हमें ईमेल ज़रूर करिएगा, हम अगले वीडियो में उसको शामिल ज़रूर करेंगे। और तब से वो शराब आज भी यहाँ पर प्रचलित है जिससे आज भी कोई सूर्यास्त के बाद वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। शराब की कथा रहस्य प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित तो करती है जो उनमें उत्कंठा जगाती है कि आओ मुझे खोजो और इतिहास को महसूस करो, किंतु शराब की कथा से इतर किराड़ू के मंदिरों का वास्तु सौंदर्य और भव्यता अद्भुत है। देव निर्मित होने का आभास दिलाने वाली यह प्रतिमाएं, स्तंभ, मंडप और गर्भगृह न केवल इसे राजस्थान के खजुराहो की उपमा से संवारती है बल्कि भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत की भी झलकियां दिखलाती है। रहस्य प्रेमी और भारतवर्ष के केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार से यह निवेदन करते हैं हम कि वो भारतवर्ष के ऐसे गौरवशाली धरोहरों का निरंतर संरक्षण और संवर्धन जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इस शराब को मानते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।